गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नोएथेल रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है किसी एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से करते हैं, तो उस कंडीशन में बेस की प्रेजेंस में जब करते हैं तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एसिटैल्डिहाइड है CH3CHO, एसिटैल्डिहाइड जब इसकी रिएक्शन एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए CH2COOC2H5COOC2H5, ये मेलोनिक एस्टर लेते हैं, मेलोनिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जब बेस की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया की जाती है तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है, यहां से H2 और यहां से O निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के निष्कासन के फलस्वरूप ये इस प्रकार से उत्पाद बनता है। COOC2H5 COOC2H5, तत्पश्चात इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं और एक साइड में OH और H जुड़ जाएगा, तब दो मॉलिक्यूल्स C2H5OH के निकल जाएंगे और ये अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, तब इसमें से CO2 का जो एक मॉलिक्यूल से है वो रिमूव हो जाएगा और इस प्रकार से CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है जिसको क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। ये इस प्रकार से जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया होती है। इसकी अगर मैकेनिज्म को देखा जाए तो जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में R-anion का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन बनता है। ये जो CH2COOC2H5 COOC2H5 जो मेलोनिक एस्टर है इसकी रिएक्शन बेस के साथ होती है, जब बेस के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये जो बेस है ये बेस इसमें से प्रोटॉन को निकाल देता है, ये कोई बेस है, बेस से अभिक्रिया होती है तो ये बेस इसमें से किसको निकाल देता है, प्रोटॉन को निकाल देता है और यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा तो बन जाएगा CH और माइनस आ जाएगा COOC2H5 COOC2H5, ये इस प्रकार से कार्ब एनायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में कार्ब एनायन बनेगा और ये BH बाहर निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप जो है उसमें ये जो कार्ब एनायन है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल,
एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर इस कार्बन आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये एल्डिहाइड CH3CHO, इसके ऊपर ये कार्बन आयन अटैक करेगा। ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है इस प्रकार से और बन जाएगा CH3, CO पर माइनस आ जाएगा CH COO C2H5 COO C2H5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोटोनेशन होता है। थर्ड स्टेप में प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन के फलस्वरूप एक प्रोटॉन जुड़ जाता है इसमें। ये O- है CH COO C2H5 COO C2H5, इस पर एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा। ये BH जो है उससे एक प्रोटॉन जुड़ेगा और प्रोटॉन जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 CH OH CH COO C2H5 COO C2H5। इस प्रकार से हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। चौथे स्टेप के अंदर फोर्थ स्टेप के अंदर डिहाइड्रेशन होगा या रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाएगा। ये CH3 CH OH COO C2H5 COO C2H5, यहां से H प्लस निकल जाता है, यहां से OH माइनस निकल जाता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये H2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिफ्थ स्टेप हाइड्रोलाइसिस। ये जो एस्टर है इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। CH3 CH double bond C COO C2H5 हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, OH इस साइड में जुड़ जाएगा और H इधर जुड़ जाएगा तो दो अणु C2H5 OH के निकल जाएंगे और बन जाता है CH3 CH double bond C COOH COOH। इस तरह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और सिक्स स्टेप जो है उस सिक्स स्टेप के अंदर ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से एक डीकार्बोक्सिलेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप एक CO2 का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाएगा। CH3 CH double bond C COOH COOH। जब इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तब यहां से एक CO2 का जो मॉलिक्यूल्स है वो इसमें से निकल जाता है और बन जाएगा CH3 CH double bond CH single bond COOH। इस प्रकार से जो मेन उत्पाद है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।